सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। भेड़ यही है ना, शिप। भेड़ को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, शिप या सिप? शिप। भेड़, भेड़ के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं भाई, भेड़ से ऊन मिलता है। तो भेड़ के बारे में राजस्थान में 2012 में भेड़ संख्या 91 लाख थी, यानी 1 करोड़ से कम थी। गाय और भैंस तो 1 करोड़ से ज्यादा है, और भेड़ 1 करोड़ से कम आ गई। और 2019 में भेड़ संख्या क्या हो गई, 79 लाख, यानी भेड़ की संख्या क्या हो गई, घट गई। घट गई यानी कितनी घटी, तो 12.95%, यानी लगभग 13% के आसपास। तो भेड़ की संख्या पहले की अपेक्षा क्या हुई, घटी। अब घटने का कारण क्या है, आप मान लीजिए यहां पर ये क्वेश्चन आ जाए कि भेड़ की संख्या भी क्यों घटी, तो धीरे धीरे जो चरागाह है ना, चरागाह चरने की जगह, वो धीरे धीरे क्या होती हुई जा रही है, घटती हुई जा रही है। आपने देखा होगा बेचारे इधर मारवाड़ साइड के, पश्चिम राजस्थान के जो भेड़ पालक है, अपने भेड़ को मध्य प्रदेश तक ले जाते हैं, सड़क 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 सड़क, है ना। तो कितनी मेहनत करते हैं वो केवल चराने के वास्ते, ठीक है ना। अब धीरे धीरे उनका एरिया संकुचित होता जाएगा, कोई जमीन बाकी नहीं बचेगी, तो फिर भेड़ को कहां पर चराएंगे वो। तो धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होती हुई जा रही है, कम होती हुई जा रही है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ संख्या वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर। सर्वाधिक भेड़ संख्या वाला जिला बाड़मेर। और सबसे कम भेड़ संख्या वाला जो जिला है वो है बांसवाड़ा। राजस्थान में सबसे कम भेड़ संख्या वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। तो कितना बढ़िया इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया, बसे बाड़मेर, बसे बांसवाड़ा, बसे भेड़। देखो, बसे भेड़, बसे बांसवाड़ा और बसे बाड़मेर। सबसे ज्यादा बाड़मेर में, सबसे कम है बांसवाड़ा। बाड़मेर में ज्यादातर क्या है, पशुचारण का काम होता है ना। मैंने आपको बताया था कि अपने राजस्थान में बाड़मेर जिला ऐसा जिला है जहां पर गरीबी का प्रतिशत सबसे ज्यादा पाया गया वर्तमान में। 52% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, ठीक है। अब गरीबी रेखा से नीचे है तो फिर काम धाम क्या करते हैं, ये करते हैं, पशु चारण का काम करते हैं। तो बाड़मेर में सबसे ज्यादा है, बांसवाड़ा में सबसे कम है, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा भेड़ संख्या वाले जो राज्य हैं वो 4 हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर राजस्थान। तो राजस्थान का कौन सा स्थान बनता है, 4th स्थान, ठीक है। लिखिए आप, भारत में सर्वाधिक भेड़ संख्या वाले राज्य क्रमशः, भारत में सर्वाधिक भेड़ संख्या वाले राज्य क्रमशः, तो नंबर 1 लिखे आप तेलंगाना, ये मैंने तेलंगाना को TL कर दिया, है ना। फिर आंध्र प्रदेश, फिर KT, और फिर राजस्थान। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। तो राजस्थान का स्थान 4th बनता है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा भेड़ संख्या वाला राज्य ये है और राजस्थान का स्थान 4th है, लेकिन ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान पहला बनता है, ये भी खासियत है। चाहे तो आप साइड में थोड़ा सा लिख लो, लेकिन ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम, ऊन उत्पादन में, लेकिन ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान और संख्या में 4th स्थान है। तो राजस्थान में भेड़ की जो ग्रोथ है ऊन की, वो क्या है, तेज है। तो ये तो हो गए भेड़ से संबंधित कुछ डेटा, ठीक है ना। अब राजस्थान में कुछ भेड़ की नस्लें हैं, चलो
तो अब इसमें आगे लिखें नस्लें, भेड़ की नस्लें, ठीक है ना। तो भेड़ की कौन कौन सी नस्लें हैं पहले उनके बारे में सुन लें, फिर अपन लिख लेंगे। तो ये भेड़ की नस्लें हैं, जैसे एक तो है चोकला, अभी लिखना नहीं, चोकला, मगरा, नाली, पूगल, सोनाड़ी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मालपुरी, खेरी, बांगड़ी, है ना, या इसको अलवरी भी बोला जाता है। ये नस्लें हैं अपने राजस्थान, ये सारी देसी नस्लें हैं, कुछ विदेशी भी है। तो पहले इनके बारे में अपन देख लेते हैं। इन सभी भेड़ की नस्लों में सबसे बढ़िया जो नस्ल है ना वो ये है, चोकला। चोकला नस्ल का दूसरा नाम शेखावाटी नस्ल भी है, इस नस्ल का दूसरा नाम छापर भी है, इसको छापर भी बोला जाता है। तो छापर बोलने का कारण क्या है कि ये जो नस्ल है इसका मेन ओरिजन है ना वो चुरू जिले में जो ताल छापर है, ताल छापर, ठीक है, वो है। तो ताल छापर का आसपास का एरिया होने के कारण इसका नाम छापर भी है, इसको शेखावाटी भी बोला जाता है, इसको चोकला भी बोला जाता है, इसको भारत की मेरिनो भी बोला जाता है। अगर आपने नाम सुना हो भारत की मेरिनो, राजस्थान की मेरिनो, भाई मेरिनो क्या है, ऑस्ट्रेलिया की श्रेष्ठ भेड़ की नस्ल है, श्रेष्ठ क्वालिटी में, ठीक है ना। तो एक उपमा दी गई है कि यह है राजस्थान की मेरिनो या भारत की मेरिनो। इसकी खासियत किसमें कि इससे प्राप्त ऊन बढ़िया मुलायम इस प्रकार का होता है, मतलब क्वालिटी अच्छी होती है, इससे प्राप्त ऊन कैसा होता है, अच्छा होता है, क्वालिटी बढ़िया होती है। मगरा और पूगल इन दोनों के जिले सेम हैं, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर सेम जिले हैं, ठीक है ना। मगरा की विशेषता किसमें है, मांस में, यानी सबसे ज्यादा मांस किससे मिलता है, मगरा से, ठीक है ना, यही विशेषता है। नाली, जैसे मैंने आपको अभी गोवंश में बताया था कि राठी नस्ल की गाय कौन सी जिलों में मिलती है, गंगानगर और हनुमानगढ़, तो उन्हीं जिलों में नाली नस्ल की भेड़ पाई जाती है। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि घगर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, नाली क्षेत्र। तो नाली क्षेत्र में पाए जाने वाली नस्ल को नाली बोला जाता है, गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। इससे प्राप्त ऊन का रेशा सबसे लंबा होता है, जो तार होता है ना उसका फाइबर, वो फाइबर की लेंथ ज्यादा होती है, करीबन 11-12 सेंटीमीटर के लगभग मानी जाती है, ठीक है ना। तो इसकी विशेषता ऊन के लंबे रेशे में, ठीक है ना, इसकी विशेषता मांस में है, इसकी विशेषता इसका क्वालिटी अच्छा है, मुलायम होता है, चमकदार होता है, ठीक है ना। इन दोनों के जिले सेम है, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया JBN, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर, ठीक है ना। सोनाड़ी जो नस्ल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि गोवंश में कौन सी नस्ल है जो झालावाड़ एरिया में पाई जाती है, मालवी, तो सेम टू सेम वही कंडीशन इसकी है। ये सोनाड़ी नस्ल राजस्थान में झालावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और एक थोड़ा सा इसमें सिरोही तक खींच दिया गया। पहले आपके क्या है, PSI में क्वेश्चन आया था 2-3 साल पहले कि ये नस्लें कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, हाँ, तो इसमें क्या है, सोनाड़ी, वो सिरोही जिला भी दे रखा था, बाकी चलती है झालावाड़ के आसपास में। अब थोड़ा सा एक ही सिरोही आ गया तो अब भाई भेड़ है, चरती चरती चली गई होगी वहां पर, और क्या है, ठीक। तो अपन ने सिरोही भी इसमें लिख लेंगे, बाकी इनके बेसिक जिले कौन से, झालावाड़ के आसपास में एक राउंड लगा दो बस। दूसरा इसका नाम क्या है, चनोथर है, इस नस्ल का दूसरा नाम क्या है, चनोथर है। और विशेषता क्या है, इसके कान सबसे लंबे हैं, सबसे लंबे कान वाली, जब ये चरती है तो इसके कान जमीन के टच करते रहते हैं, बस यही विशेषता मानी जाती है। भेड़ भेड़ में सबसे लंबे कान वाली कौन सी, ये है। इसका दूसरा नाम क्या है, चनोथर, या चनोथर का दूसरा नाम क्या है, सोनाड़ी, या सोनाड़ी का दूसरा नाम क्या है, चनोथर है, ठीक है ना।
सबसे लंबे कानवाड़ी है, झालावाड़ के आसपास के एरिया में पाए जाती है, थोड़ा सा अपन सिरोही भी इसमें लिख लेंगे। जैसलमेरी नस्ल है, तो जैसलमेरी है तो जैसलमेर के आसपास का एरिया हो गया, है ना। लेकिन इसकी विशेषता क्या है, सभी भेड़ों में प्रति भेड़ सर्वाधिक ऊन देने वाली, सबसे ज्यादा ऊन किससे मिलता है, तो जैसलमेर से प्रति भेड़। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन या राजस्थान के कुल ऊन उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान कौन सी नस्ल का है, तो मारवाड़ी का है। दो चीजें, प्रति भेड़ सबसे ज्यादा ऊन किससे, तो जैसलमेर से। लेकिन राजस्थान के कुल ऊन उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, मारवाड़ी का है। ज्यादा योगदान क्यों है, क्योंकि राजस्थान के लगभग पूरे पश्चिम राजस्थान के जिलों में पाई जाती है, संख्या की दृष्टि से ज्यादा है, तो संख्या में ज्यादा है तो ऊन उत्पादन में इसका योगदान क्या होगा, ज्यादा होगा। इस नस्ल के बारे में कहा जाता है कि बीमार भी कम पड़ती है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। तो अपन यू थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, बीमार कम पड़ती है, मरती कम है, संख्या ज्यादा है, तो राजस्थान के कुल ऊन उत्पादन में इसका योगदान है ज्यादा है, ठीक है ना। मालपुरी नस्ल कौन सी जिले में होगी, आप बताओ, टोंक जिले में। भाई टोंक में मालपुरा एरिया है ना, उसमें, तो इसमें टोंक, सवाई माधोपुर, थोड़ा सा जयपुर भी आता है। भाई दोनों टचिंग जो जिले है ना, टोंक के सवाई माधोपुर भी टच कर रहा है, जयपुर भी टच कर रहा है, मेन जिला कौन सा है इसका, टोंक है। इस नस्ल को देसी नस्ल के नाम से जाना जाता है, इसको देसी भी कहा जाता है। सारी नस्लों में कौन सी नस्ल का नाम देसी है, तो मारवाड़ी, ये मालपुरी नस्ल है। इस नस्ल का दूसरा नाम अविका नगरी भी है, वो है ना अविका नगर, है ना, तो इसका दूसरा नाम क्या है, अविका नगरी भी है, मालपुरी भी है, देसी भी है। इससे प्राप्त ऊन मोटा और खुरदरा होता है, इसका ऊन कैसा होता है, मोटा और खुरदरा। अब मोटा और खुरदरा है तो उस ऊन से क्या बनाए जाते हैं, नमदे। अपन शायद एक दिन बात कर रहे थे नमदे के बारे में, यानी नमदा क्या है, नमदा भाई पहले राजा महाराजा वगैरह हुआ करते थे ना, तो जैसे उनका बड़ा सारा हॉल है, उसमें बच्चे खेलते हैं उनके, तो उन बच्चों को सर्दियों में ठंड से बचाने के लिए नीचे ऊन का बनाया हुआ एक बड़ा सा बिछौना बना दिया, कालीन मान लो उसको, देसी जमाने का, मतलब देसी प्रकार का, तो उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, नमदा। तो वो नमदा किससे बनाया जाता है, इस नस्ल की भेड़ के ऊन से। क्यों भाई, मोटी और खुरदरी है, तो जो मोटा और खुरदरा होगा उसका तो स्थान जूतों में होगा और जो मुलायम मुलायम होगा उसका स्थान सर पे होगा। आपने देखा होगा अपन जो वस्त्र पहनते हैं ऊनी वस्त्र, अगर इस भेड़ का बना हुआ स्वेटर पहन ले तो शायद वो अंदर तक चुभे, पहना नहीं जा सकता। तो इसका यूज किस में, इसमें। एक ही नस्ल है खेरी, खेरी नस्ल पाली, जालौर, सिरोही जिलों में पाई जाती है। इस ऊन, मतलब इस नस्ल का ऊन सबसे सफेद होता है, बस यही क्वालिटी है, सबसे सफेद वाली। बांगड़िया अलवरी, तो अलवर क्षेत्र में पाई जाती है। 75% भेड़ों के मुंह काले होते हैं, मुंह काला होता है, पीछे का जो हिस्सा है कैसा होता है, सफेद होता है, बस यही इसकी पहचान है। ये अपने राजस्थान में भेड़ों की नस्लें हैं, ठीक है ना। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।